बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच का विवाद बदस्तूर जारी है। बुधवार को कंगना के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया। बीएमसी की तरफ से कहा गया कि कंगना के प्रोडक्शन हाउस में अवैध निर्माण था जिसे ढहाया गया है। क्या आप जानते हैं कि कंगना ऐसी पहली अदाकारा नहीं है जिनके ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर चला हो, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े नामी सितारे हैं जिनको बीएमसी के हथौड़े की मार झेलनी पड़ी है। शाहरुख खान। बीएमसी का बुलडोजर शाहरुख खान के घर मन्नत के एक हिस्से पर भी चल चुका है। ये बात है साल 2015 की। बीएमसी ने मन्नत के बाहर बनी स्टील की रैंप पर बुलडोजर चला दिया था। बीएमसी का तर्क था कि शाहरुख ने ये रैंप गैर कानूनी तरीके से बनवाई थी जिससे वो अपनी वैनिटी वैन वहां खड़ी कर सके। इतना ही नहीं, साल 2017 में बीएमसी ने शाहरुख के ऑफिस पर हमला बोला था। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के ऑफिस में 2000 स्क्वायर फुट में बनी कैंटीन को बीएमसी ने तोड़ डाला था। प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल भी बीएमसी के गुस्से का शिकार हो चुकी है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में बने प्रियंका चोपड़ा के ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था। बीएमसी ने आरोप लगाया था कि प्रियंका ने अवैध निर्माण किया है। इसके खिलाफ पीसी को नोटिस भी जारी किया गया था। उस वक्त प्रियंका न्यूयॉर्क में थी। प्रियंका की तरफ से जवाब न मिलने के बाद बीएमसी ने बिना देर किए तोड़फोड़ कर डाली थी। अनिल कपूर। बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर को भी बीएमसी के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। बीएमसी ने उनका सांता क्रूज वेस्ट में मौजूद ऑफिस तहस नहस कर दिया था। बीएमसी का कहना था कि अनिल कपूर के ऑफिस का इंटीरियर इलीगल था, जिसके चलते बीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी थी। बीएमसी ने अनिल कपूर के ऑफिस के आसपास मौजूद 3-4 ऑफिस को भी तोड़ा था। अरशद वारसी। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने मुंबई में एक बंगला खरीदा था। अरशद ने अपने बंगले के दूसरे फ्लोर पर 1300 स्क्वायर फीट का निर्माण करवाया था जिसे बीएमसी ने अवैध बताकर तोड़ डाला था। अरशद वारसी बीएमसी की इस कार्रवाई से खासा नाराज हुए थे। इरफान खान। जिन दिनों बीएमसी ने कपिल शर्मा के ऑफिस का एक बड़ा हिस्सा तोड़ा था, उसके तुरंत बाद बीएमसी ने इरफान खान को भी नोटिस भेजा था। बिना इंतजार किए बीएमसी ने इरफान खान के फ्लैट में तोड़फोड़ कर डाली थी। बीएमसी ने तर्क दिया था कि इरफान ने अपने घर की दीवारों को अवैध तरीके से तोड़कर आगे बढ़ा दिया है, लिहाजा ये कार्रवाई की गई। सोनू सूद। प्रवासी मजदूरों के मसीहा के तौर पर सामने आए सोनू सूद भी बीएमसी के गुस्से के शिकार हो चुके हैं। हालांकि सोनू सूद को बीएमसी के बुलडोजर का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उन पर भी बिना अनुमति के कार्य करने का आरोप लगा था। दरअसल कोरोना काल के दौरान सोनू ने अपने होटल को अस्पताल में बदल डाला था। जैसे ही बीएमसी को ये बात पता चली तो उन्होंने सोनू के नाम से एक नोटिस जारी कर दिया था। इस नोटिस में दावा किया गया था कि सोनू ने ये काम बिना अनुमति के किया है। मनीष मल्होत्रा। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने के बाद तेजी से खबरें आई कि बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस जारी किया है। हालांकि मनीष मल्होत्रा ने इस दौरान 7 दिन का वक्त मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।